Hello, my dear children. Welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in the previous class, we were learning chapter 7, that is working with layers. Today, we will have a recap. The layers. Layers are like transparent sheets that can hold objects and are stacked on the top of each other. Transparent sheets होती हैं जिनको हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं. Here you can see in the picture, this is a window in the flesh. ठीक है, फ्लैश में हमारे पास इस तरह की विंडो आती है एंड हेयर यू कैन सी बहुत सारे बटन्स हमारे पास अवेलेबल हैं लेयर्स के लिए. ओके, सो हाउ टू सेलेक्ट द लेयर, वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लेयर एंड यू विल सी टाइमलाइन में हमारे पास ब्लू कलर से इंडिकेट हो जाती है एंड इट शोज दैट दिस लेयर इज एक्टिव लेयर, दिस लेयर इज राइट नाउ सेलेक्टेड. ओके, सो दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट इट, वी हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द लेयर एंड लेयर विल बी हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन. So if you want to rename the layer, what we have to do? We have to just double click on the layer or we can right click. When you will double click, you will see cursor will be highlighted there. You have to just write the new name and your layer name can be changed in this way. ठीक है, layer का name हम क्या करेंगे? Simple double click करके change कर सकते हैं या right click करके properties में जाके उसका वहाँ से भी name change कर सकते हैं. Now how to add a new layer? We have to simply go in insert tab and there in timeline and then layer. ठीक है, इस तरह से हम न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं एंड हमारे पास डायरेक्ट एक बटन होता है वहाँ पे, उसको यूज़ करके भी हम न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं. लेयर का अगर हमें ऑर्डर चेंज करने हैं तो वो कैसे करेंगे? वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लेयर, जो हमें लेयर ऊपर की तरफ लानी है या नीचे की तरफ ले जानी है उसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे. सिंपल क्लिक करके हमें माउस को ड्रैग करना है और जो लेयर नीचे की तरफ आपकी चली गई है स्काई, वो आपको पीछे की तरफ दिखाई देगी और बिल्डिंग आपको आगे की तरफ दिखाई देगी. दिस वे वी कैन चेंज द ऑर्डर. Now let us see how to hide and show the layer. हमारे पास यहाँ पे different layers हैं timeline में, car, tree, building and sky. And you can see there is a eye icon. ठीक है, using the eye icon you can see eye icon के नीचे different layers में cross बना हुआ है red color से. So if you will click on this cross, you can see जो भी layer आपकी है like car वाली layer है, आपने cross पे click किया तो वो आपकी hide हो जाएगी. Okay, and again if you click then your layer will be shown. So this way we can hide and show the layer. Now let us see how to lock the layer. We have to just use the lock icon. जो आपके पास lock icon है उसके नीचे dots बने हुए हैं, जो भी layer आपको lock करनी है you have to just click on the dot. ठीक है, एंड लेयर हमारी लॉक हो जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. एंड इफ यू अगेन क्लिक देन दैट विल बी अनलॉक्ड. ओके, Now the next thing is masking in flash. Masking is often used in flash to create spotlight effect that would display the text through a hole. Masking को use करके हम flash में एक spotlight effect लगा सकते हैं जिसमें हम जैसे torch से spotlight डालते हैं किसी चीज़ पे तो वो हमें show होती है. In the same way हमें masking करके text show होता है. ओके, तो कैसे लगाते हैं मास्किंग? वी हैव टू जस्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, लेयर का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, उसमें एक टेस्ट ऐड करेंगे, कोई एक टेस्ट डाल देंगे, टेस्ट लेयर ले लेंगे अलग से और ऊपर से उसमें हम एक ओवल वाली लेयर डाल देंगे. ठीक है, ओवल को हम क्या करेंगे? एनिमेट करेंगे टेस्ट के ऊपर से और टेस्ट वाली लेयर में हम मास्क इफेक्ट लगा देंगे. दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, Now last but not least, using onion skin tool. Onion skin tool allows you to see a faint ghost image of the previous frame. This way you can see where to place the image for the next frame. Onion skin tool क्या करता है? आपको previous frame की एक faint ghost image दिखा देता है. जैसे आपने कोई frame डाला, आप उसके बाद में जब next frame डालेंगे, अगर आप onion skin button पे click कर देंगे तो क्या होगा? Previous frame जो आपने डाला था उसकी आपको छोटी सी परछाई दिखेगी. ओके, देन आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्रेम कहाँ डालें. ओके, तो अनियन स्किन टूल इजी कर देता है हमारे लिए एनिमेशन क्रिएट करना, जैसे हमने बर्ड में एनिमेशन लास्ट टाइम क्रिएट भी करके देखा था. सो चिल्ड्रन, चैप्टर इज कंप्लीट टुडे. आई होप एवरीथिंग वाज वेल अंडरस्टूड टू यू. दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय.